मैंने तो अपने घर को ना कम बजट में बहुत सुंदर डिजाइन करा लिया। अगर आप भी अपने घर को रेनोवेट कराने का सोच रहे हैं ना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। साथ में इस वीडियो में मैं कुछ सामान आपको दिखाऊंगी जो मैं गिव अवे करना चाहती हूँ। घर की खूबसूरती घर की बनावट से नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों से होती है। सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम दीप्ति है। आज की जो वीडियो है ना, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, और इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ आपको होम टूर। सो बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ अपने ड्राइंग रूम से। तो आ जाते हैं हम इस वॉल पर। तो यहाँ पर लगे हुए हैं 3 यूट्यूब बटन। पहला है दीप्ति व्लॉग का, जो कि 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर मिला था। देन रिद्धु पिद्धू, उनके 10,00,000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर उन्हें ये बटन YouTube की तरफ से मिला था। दिस इज द सिल्वर बटन एंड दिस इज द गोल्ड बटन। ये 1,00,000 पूरे होने पर मिलता है और ये 10,00,000 पूरे होने पर मिलता है। एंड दिस इज अगेन द बटन ऑफ रिद्धु पिद्धू, जो इन्हें 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर मिला था। सो दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट टू बींग अ पेरेंट ऑफ सच अ टैलेंटेड किड्स। तो अब आते हैं हम हमारे बड़े से LCD पर। हुआ ऐसा, यहाँ पर था 55 इंच का TV। जब रेनोवेशन घर का स्टार्ट हुआ तो हमने उसको एक टेबल के ऊपर रख दिया और किसी ने POP की बाल्टी रख दी, जिससे TV की स्क्रीन चली गई और हमें पता ही नहीं चला। हमें तब पता चला जब रेनोवेशन कंप्लीट हो गया और हमने TV को हैंग किया, तब हमें पता चला भाई इसकी तो स्क्रीन ही नहीं है। तो 55 इंच के TV को हमने स्विच कर दिया यहाँ से दूसरे कमरे के अंदर और यहाँ पर लगा दिया 70 इंच का TV। और स्टिल नॉट सेटिस्फाइड हूँ इस TV से, बिकॉज मुझे बहुत बड़ा वाला चाहिए था जो मेरी वॉल को कवर करता, बट वो हमारे बजट से बहुत बाहर था, क्योंकि TV का साइज तो सिर्फ इंचेस में बढ़ता है, बट उसके प्राइस जो है ना बहुत हज़ारों में बढ़ते हैं। अब आते हैं इस टेबल के ऊपर, आई गेस इसको क्या बोलते हैं, TV कैबिनेट बोलते हैं। सो ये कम्प्लीटली मेरा डिज़ाइन किया हुआ है। काफ़ी सारी सर्चिंग के बाद मुझे लगा कि दिस वन इज़ द बेटर डिज़ाइन, जो हमारे TV वाले पार्ट को कवर करेगा। हम चाहते तो इसको यहाँ तक भी कवर कर सकते थे, दिस पार्ट, बट हमने इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि वो जो एंट्रेंस है वो काफ़ी छोटी नज़र आती और बहुत घुटा घुटा लगता। तो हमने कोई 8-10 इंच की जगह छोड़ के यहाँ पे इसको ऐसे डिज़ाइन कराया है। अभी इसमें थोड़ा सा काम इनकम्प्लीट है। यहाँ पे एक ग्लास आएगा, वो भी थोड़ा डिजाइनर ग्लास आएगा, इस शेप में आएगा, ये। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जितना भी घर में लकड़ी का काम हुआ है वो सारा एक्रेलिक शीट का हुआ है, और इनके अंदर जो ड्रॉर्स में सनमाइका है वो नॉर्मल सनमाइका है। तो एक्रेलिक इज़ अ शीट जो वॉशेबल होती है, आप उसको क्लीन कर सकते हो सैनिटाइजर से या गीले कपड़े से, वो ख़राब नहीं होती, काफ़ी लॉन्ग टाइम चलती है। सो अब आते हैं इस चीज़ के ऊपर। जब इसे देखते हो थोड़ा गुस्सा आता है। लेने गई थी अपना फ़ोन और गट्टू वहाँ पर फैल गया कि मुझे PS5 चाहिए, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इसे PS5 दिलाऊंगी इतनी छोटी एज में। बस फिर क्या हुआ, मैंने थोड़े दिन के लिए अपना फ़ोन खरीदने का प्लान पोस्टपोन किया और इसको 50,000 रुपीज़ का PS5 लेके दे दिया। थोड़ा महंगा था, आउट ऑफ बजट था, बट मैं कर सकती थी इसलिए मैंने किया मेरे बच्चे के लिए। देन कम टू दिस बड़ी वाली थार पे, ये रे ध्यानश की है, उसको गिफ्ट में मिली है उसके मामा से। ऑल दो मैं थोड़ा डर गई थी इस गाड़ी से, क्योंकि मैंने रेनोवेशन अभी जस्ट पूरा ही कराया था और उसका बर्थडे आ गया, और इस थार ने जो है ना बहुत तोड़फोड़ करी है घर में, बट ओके, बच्चे खुश तो हम खुश। नेक्स्ट कम टू दिस पॉइंट, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगी। दिस इज़ अ एक कबर्ड हमने बनवा दी। यहाँ पर हमारे पास इतना पिलर के पास स्पेस था, तो इस स्पेस को हमने कवर किया ये वाली कबर्ड बनवा के। यहाँ पर हमने बच्चों के टॉयज रखे हुए, अभी मैं नहीं दिखाऊंगी, बहुत गंदा है अंदर और मेरी वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगी। मम्मी आपने आपने क्या कहा था फिर? क्या कहा था? इसके अंदर गाइस आप खुद ही देख गया। ओह नो, क्या ये पूरा भरा हुआ है? मतलब जो चीज आप छिपाना चाहते हो ना वो बच्चे दिखा देंगे। तो यहाँ पर हमने मेडिसिन पार्ट रखा हुआ है। ये सब कबर्ड्स का टूर मैं कभी बाद में दूंगी आपको। और ये वाले हमने जो बनाए हैं ग्लव्स रखने के लिए, सॉक्स रखने के लिए, हैंकी रखने के लिए, कि इजीली हमको मिल जाए अप्रोचेबल। सो एक्चुअली मुझे सोफ़ा चेंज करना था बट मैं नहीं कर पाई, तो मुझे लगा इसको रिपेयर कराएंगे, इसका ये कवर ओवर चेंज कराएंगे,
तो अगेन इट इज टाइम कंज्यूमिंग, 3 दिन लगेंगे भैया बोल के गए हैं। सो गाइस अब आ जाते हैं किचन वाले पार्ट पे। तो किचन में मैंने बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कराए हैं बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी किचन अभी चल सकती है 5-10 साल, और फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है काम कराते कराते, ऐसा लगता है कि चलो भाई ये तो ठीक ही है अभी। तो जो चेंजेस कराए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर मैंने ना प्रेशर कुकर लिया जो कि इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर है, और मैंने सोचा था जब कोई वीडियो बनाऊंगी अच्छी सी तो उसमें इसे अनबॉक्स करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ग्रीक का इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर रोबो कुक जेटा, और जैसे ही हम बॉक्स को ओपन करेंगे ना तो यहाँ पर इसमें एक बुकलेट दिखाई देगी। इसके साथ आती है 900 वॉट्स की पावर डिटैचेबल केबल, पेयर ऑफ सिलिकॉन मिटन, पतीले को बाहर निकालने में आपकी हेल्प करता है, मेजरिंग कप, राइस पेडन स्पून, पका हुआ राइस निकालने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, प्रेशर रेगुलेटर, प्रोटेक्टर बटन, इसे मूव करने से एक्स्ट्रा प्रेशर जो है हम रिलीज कर सकते हैं, वेज और नॉन वेज रेसिपी की एक बुक, देन दूसरा है यूजर मैनुअल जिस पर मॉडल नंबर मेंशन है और इसमें आपको समझाया हुआ है कि हाउ टू यूज दिस, वारंटी कार्ड। प्रेशर कुकर के अलावा भी आप इसमें बहुत सारी चीजें कुक कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट में कुछ बटन है और बीच में स्क्रीन है, अगर आप ऑन ऑफ के बटन को एक बार दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा और सेकंड टाइम दबाने पर ये ऑफ हो जाएगा। कीप वार्म और कैंसिल, अगर आपका खाना पक चुका है तो आप इस बटन को दबाकर कैंसिल करके अपने खाने को बाहर निकाल सकते हैं। बटन को दूसरी बार दबाने पर हमारा खाना कीप वार्म मोड पर चला जाएगा। डिले टाइमर यानी कि 30 सेकेंड्स, हमें लगता है कि हमें और कुकिंग थोड़ी देर तक करनी है तो इस टाइमर के हिसाब से हम अपने टाइमर को बढ़ा सकते हैं। तो नीचे कुछ बटन्स दिए हैं, ऑप्शन के हिसाब से आप अपनी कुकिंग कर सकते हैं या इनसे मिलती जुलती कुकिंग कर सकते हैं। बिना ढक्कन के जोटे मोड पर आप कुकिंग कर सकते हैं। अब आते हैं टेस्ट बटन पर, आप प्रेशर लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस पर लाइट होगी वो ऑप्शन सेलेक्ट होगा, और लेफ्ट में है नॉन वेज का ऑप्शन। प्री सेट टाइम के हिसाब से टाइमर आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगा, उसे भी आप घटा और बढ़ा सकते हैं। हमने ओपन वाले बटन पे एरो आता है तो हम इसको आराम से बाहर निकाल सकते हैं, और क्लोज करने के लिए ये एरो इस क्लोज वाले लॉक पर आना चाहिए। इस वाले पोर्शन को आपको पानी से क्लीन नहीं करना, इन केस ऑफ अगर कुछ गिर भी जाता है तो बस आप इसे कपड़े से क्लीन कर दीजिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पीछे एक छोटा सा कप लगा हुआ है, एंड से रिलीज हुआ एक्स्ट्रा वाटर इस कप में आ जाता है और इस कप को अटैच करके हम पानी को थ्रो कर सकते हैं। तो क्यों ना इसमें कुछ ट्राई भी कर लिया जाए। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ ऑयल, कुकर मैंने ऑन कर दिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म करके मैंने इसमें डाला जीरा, सूखी लाल मिर्च और सारे गर्म खड़े मसाले, प्याज, ऑनियन को अच्छे से ब्राउन करके मैं इसमें डालूंगी टमाटर। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गर्म मसाला। मसाले अच्छे से भुनने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोयाबीन की बढ़िया। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कटी हुई सब्जियाँ, सब्जियाँ आप अपने हिसाब से घटा और बढ़ा सकते हैं। जी अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी भीगे हुए राइस और 2 कटोरी वाटर। अब मैंने लिड को लगा दिया है और राइस वाला बटन प्रेस कर दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 मिनट का टाइमिंग आ रहा है। वाओ सो यम्मी, मेरे राइस बन चुके हैं, नाउ टाइम टू टेस्ट। यम्मी। सो गाइस मेरे राइस तो बन गए, और अगर आप भी इसे परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एंड यहाँ पर मेरा कूपन कोड है। अगर आप इस कूपन कोड को यूज़ करके ऑर्डर करते हैं प्रेशर कुकर तो आपको मिलेगा पूरे 300 रुपीज़ का ऑफ। किचन के इन कैबिनेट्स का इन साइड टूर मैं नहीं दे पाऊंगी बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी कंप्लीट किचन का एक टूर देना चाहिए तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अब आते हैं इस टाइल के ऊपर। यहाँ पर एक टाइल थी तो जब भी हम गैस को ऐसे पीछे मारते थे वो टाइल ब्रेक हो गई थी बिकॉज वो कांच वाली टाइल थी। नाउ हमने ये चेंज कराई, बाकी इसका डिज़ाइन भी हमने कुछ और दिया था बट जब बन के आया कुछ और निकला प्रिंटिंग में, बट एनीवे ओके है। ग्रीन 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 अ सिंबल ऑफ कूलनेस। सो कम टू दिस कैबिनेट, ये मैंने डिज़ाइन जो है ना इंटरनेट से देखा था, मुझे लगा मुझे परचेज कर लेना चाहिए, बट लेटर ऑन जब उसके स्पेसिफिकेशन को देखा तो उसमें था वो बोर्ड से बनी हुई है, और बोर्ड से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल भी मजबूत नहीं होती। अगर आप लोग भी अपने घर में लेके आए होंगे बच्चों की वो डिज़ाइनर कबर्ड तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, बट अगर आपने घर में कोई लकड़ी का काम कराया है तो वो सालों साल तक आपके बच्चों के बच्चे भी यूज़ कर ले तो ख़राब नहीं होते, बाकी मन भर जाए वो एक अलग बात है। सो यहाँ पर मैंने इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से कराया। पहले मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ, इसके अंदर आपको सारा दिखाई दे रहा होगा। मैंने पूरे घर का कांच का बर्तन यहाँ डाल दिया है, सॉरी पूरे घर का नहीं, अभी अंदर भी बहुत सारा है। सो मतलब जो हमारे रेगुलर यूज़ में आने वाला बर्तन है वो सब यहाँ डाल दिया ताकि अगर किसी को चाहिए तो यहीं से निकालो और यूज़ कर लो। और यहाँ पर मैंने ओवन रखा है, अभी इसकी कोड हमने यहाँ से निकलवा दी है, और पीछे से इसमें काफ़ी सारे होल करा दिए हैं ताकि जो है इसकी गर्म हवा रिलीज़ होती रहे पीछे के पीछे। और यहाँ पर कुछ बास्केट्स में वो फ्रूट और सब्जियाँ हैं जो कि हम डेली यूज़ में खाते हैं। सो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं सामान अपना फ्रिज के अंदर रखती हूँ, बाकी इससे ज़्यादा डिटेल अभी नहीं दूंगी। दिस वन इज़ द ड्रीम एरिया,
मेरे लिए, मुझे नहीं मालूम है दूसरे के लिए, क्योंकि हो सकता है किसी के लिए उसका ड्रीम एरिया बहुत बड़ा हो, बट ये वो वाला एरिया है कि जब भी हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं या हमें लगता है कि हमारे घर में हमें रहकर क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करना है, तो दिस एरिया इज़ द बेस्ट एरिया। सो मैं आपको बता देती हूँ कि ये कर्टेन्स हमने अभी लगाए हैं, पहले नहीं थे, और यहाँ पर पूरा ग्लास है। सो ज़्यादा धूप आती है, मौसम चेंज हो चुका है, तो उसके चलते मैंने यहाँ पे कर्टेन्स लगवा लिया, और ये कर्टेन्स जो है वेलवेट वाले पैटर्न में है, और अगर वीडियोस बनानी है, फ़ोटो क्लिक करानी है, तो बैकग्राउंड के लिए बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं। सो ये वाली टेबल्स जो है बच्चों के रूम में, अभी जब मैं बच्चों के रूम का टूर दूंगी तो मैंने वहाँ पे दूसरी टेबल्स बना लिया है, तो ये टेबल्स मैं देना चाहती हूँ, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो मुझे बता देना। एंड दिस इज़ नॉट द न्यू वन, इसके बारे में नहीं बताऊँगी, ये सब कुछ पुराना है, ये भी सब पुराना है, एंड दिस झूला इज़ ऑल्सो पुराना, एंड दिस साइकिल इज़ ऑल्सो पुरानी। सो बेसिकली जो इस बालकनी में रेनोवेट हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो काम हमारे घर में हमारा फैला था वो बिकॉज ऑफ दिस POP सीलिंग का काम हुआ था, उससे हमारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सो काफ़ी लंबा टाइम निकल गया, और सबसे ज़्यादा परेशानी हमें ये हुई कि हमने इस घर में रहते हुए काम कराया तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि 2-4, 10-15 दिन का काम है, वी विल मैनेज, बट ये काम 3 महीने से भी ज़्यादा खिंच गया। मेरे पीछे आप देख सकते हो कि 3 लालटेन वाले लैम्प हैं, मतलब एक एक चीज़ मैंने किसी को भेज के नहीं मंगवाई है, एक एक चीज़ हमने खुद से परचेज़ किया है। आई गेस इस बालकनी से आप भली भांति पहले से ही परिचित हैं, तो इतना आई गेस सफिशेंट है। और यहाँ पे मेरी वॉशिंग मशीन रखी है, दिस इज़ द कम्प्लीटली लाइक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ये देख के किसी को लग रहा होगा पैंट्री है या कबर्ड है या कुछ भी है, बट ये हमारा शूज रैक है। आई गेस इसमें हम मोर देन शायद 100-150 पेयर ऑफ शूज़ रख सकते हैं, तो ऑलमोस्ट इसमें सारा शूज़ मेरा ही भरा हुआ है। एंड ये वाला शूज़ रैक हमारा पुराना रैक था, तो हमने यहाँ पे लगा दिया, और इसमें कम्प्लीटली दीपक के जूते हैं, तो इसमें शायद आई गेस 7-8 जोड़े ही आ सकते हैं, तो आ जाते हैं अभी। और यहाँ पर मॉर्निंग में मैं 5-6 योगा क्लास लेती हूँ, और एक और चीज़ दिखाती हूँ। मे बी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि दिस इज़ रूम टाइप समथिंग, ऐसा नहीं है, पूरे एल शेप में इसी तरह का ग्लास है, और ये ग्लास जो है स्लाइडिंग है। लाइक अगर आप बालकनी वाला फील लेना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दिस गेट आई वॉन्टेड टू चेंज बट नहीं कर पाए, बिकॉज ऑफ जब हम जाते थे तो भैया नहीं मिलते थे, और जब भैया घर आते थे तो हम नहीं मिलते थे, बट मुझे ये चेंज कराना है। तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हॉल की, बालकनी की और किचन की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, अभी आते हैं बेडरूम की तरफ। सो यहाँ पर मैं आपको पहले दिखाती हूँ प्रोफाइल लाइट। सो इस प्रोफाइल लाइट को लगवाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था एक्चुअली, जब झेरी कटी थी, जब वो कटा था एरिया इस प्रोफाइल लाइट, जब वो एरे की कटिंग हुई थी प्रोफाइल लाइट को लगाने के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा कर दिया था, तो यहाँ पर अब उन्होंने बोला कि कम से कम 2 इंच वाली प्रोफाइल लाइट आएगी, बट हमने वापस उसकी फिलिंग कराई, डिले हुआ काम, बट फाइनली मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था। तो पहले वीडियो बनाते बनाते थोड़ा सा डार्क लगता था, अभी ऐसा लगता है कि यार प्रॉपर लाइट मिल रही है। ये वो वाला टीवी है जो टूट गया था, 55 इंच वाला। कम टू दिस बेड, ये मैंने कीर्ति नगर मार्केट से लिया है, और इसके साथ जो मुझे 2 साइड्स मिली हैं, और साइड्स में पहले ऐसा होता था यहाँ तक होती थी, आजकल ये वाला डिज़ाइन आ रहा है, तो मुझे ठीक लगा था। जब मैंने काफ़ी लोगों को पिक्चर दिखाई थी मेरे घर में तो बोले क्या कलर का बेड लेके आई है, बट आई एम ओके, मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पर ये वाली जो अलमारी आप देख रहे हो, ये मेरी पुरानी है, एक टाइम को ऐसा लग रहा था यार मुझे चेंज कर देनी चाहिए, बट ओके है, अभी ठीक जा रही है। एंड नाउ कम टू दिस एरिया, ये एरिया वो एरिया होता है जो सबको चाहिए होता है, दिस इज़ द ड्रेसिंग एरिया जो हमारा पहले मिस था। ये वाला कम्प्लीटली एरिया मेरा बाथरूम हुआ करता था, और जहाँ पर अभी बाथरूम का डोर है वहाँ इसकी एंट्री उस साइड हुआ करती थी, और इस साइड से हम बाहर निकला करते थे। सो अब हमने क्या किया है, ये वाले एरिया से बाथरूम को हटा के इधर कर दिया है, और यहाँ पर मैंने एक ड्रेसिंग डिज़ाइन कराया जो कि कम्प्लीटली मेरा ही डिज़ाइन है। यहाँ पर इसकी लाइक ये सेठी है जहाँ पर आप बैठ के मेकअप कर सकते हैं, और इसके अंदर भी स्टोरेज है। तो यहाँ पर हमने 3 ड्रॉर्स रखवाए हैं, नीचे भी सामान है, ऊपर भी सामान है, सब कॉस्मेटिक 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 ही आपको दिखाई देगा। मुझे लगा कि यार बेड में गोल्डन डिज़ाइन है, तो मुझे जो है मिरर कुछ समथिंग गोल्डन में कराना चाहिए, और गोल्डन में वाइट मिक्स होना चाहिए, तो मैंने इसका जो बॉर्डर डिज़ाइन कराया वो वाइट और गोल्डन का कराया। सो यहाँ पर एक बॉक्स आपको दिखाई देगा, इस बॉक्स में भी थूर थूर के ठूस ठूस के
स्किन और मेकअप का सामान भरा हुआ है। तो इसके साइज को लेके मैं जैसे ही ये लगा था थोड़ा डिससेटिस्फाइड हो गई थी, बिकॉज ये कुछ ज्यादा ही ऊंचा हो गया था। सो भैया ने बोला कि अगर आप इतने में कराओगे तो भी उतने का बनेगा और उतने में कराओगे तो उतने का बनेगा, तो मुझे लगा थोड़ा बड़ा करा लेते हैं। सो एक्चुअली अगर ये इतना भी होता तो ओके था, बट अब ये जब उतना है तो भी ओके है। यहाँ पर एक लाइट मिसिंग है, वो लगवानी है, पेंडिंग है। ये वाले एरिया में आते हैं, यहाँ बैठ के बहुत ज़्यादा सुकून मिलते हैं, क्योंकि यहाँ बैठ के आप बाग की ताका जाकी कर सकते हैं। और ये पिलो डिज़ाइन कुछ ज़्यादा ही आपको दिख रहा होगा, डार्क 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 वाला कलर है, क्योंकि ये मेरे पति की पसंद का है। सो यहाँ पर हमने इसकी एक सेठी डिज़ाइन कराई है। देन यहाँ पर इसका मेट्रेस जो है करीब करीब कोशिश करी थी कि जो हमारा बेड का सिराना है उससे मिलता जुलता जाए, बट थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। सो यहाँ पर आप नीचे देख रहे हो ड्रॉर्स है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ सारे ही खोल के, लाइक सारे तो थोड़ा मुश्किल हुआ। सो इन ड्रॉर्स में भी कम्प्लीटली वो सामान है, कॉस्मेटिक मेकअप कॉस्मेटिक लाइक दिस। सो अभी दो वो भी भरे हुए हैं, उधर से सारा सामान हटाना पड़ेगा गाइस। सो मैंने गिव अवे की एक वीडियो बनाई थी, काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो हैं दे दिए थे, बिकॉज मैं इतने सारे प्रोडक्ट्स का क्या ही करूँगी, और एक टाइम होता है प्रोडक्ट्स को यूज़ करने का और ये एक्सपायर हो जाते हैं। सो अगर इनमें से लेट मी शो यू अगेन लाइक दिस, इनमें से अगर आपको लगता है कि आपके पर्सनल यूज़ का कोई प्रोडक्ट है तो यू कैन आस्क पर्सनली। तो अभी आते हैं एक अच्छे से एरिया पे। यहाँ पर ये वाला स्पेस जो था, ये वाली वॉल काफ़ी पीछे थी और ये वाला स्पेस था, तो मैंने भैया को रिक्वेस्ट करके बोला कि आप यहाँ पे ऐसे ऐसे करके फट्टे लगा दीजिए, सो दैट हमारी जो बुक्स होगी या कुछ डेकोरेशन का सामान होगा या कुछ भी कॉस्मेटिक हमको रखना होगा, हमको यहाँ पे काफ़ी सारा एरिया जो है स्टोरेज के लिए मिल गया है। नाउ दिस एरिया, दिस इज अवर मिनी बार, इसको बाद में आपको कभी आराम से दिखाऊंगी। बट एक चीज़ होता है ना कि यार ये भी होना चाहिए घर में ना, अच्छा लगता है। तो वी वर प्लानिंग कि हम यहाँ पे वो बनाए। एंड लेट मी शो यू कि यहाँ पर हमने जो विंडो लगवाई है वो भी हमने UPVC की लगवाई है, ताकि नॉइस ना आए, अगर कभी वीडियो बनानी है या कुछ भी हो यार, वो डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए घर में, बिकॉज घर इज द एरिया जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सुकून मिलता है। आप दुनिया में कहीं भी घूमाओगे या आप कितने भी ट्रैवल लवर होंगे, पर आपको घर में आके जो सुकून मिलेगा ना वो कहीं नहीं मिलेगा। सो लाइट्स कम यूज होती है, ऐसा बच्चों को भी प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे के रखी जाती है। थोड़ी वॉइस कम कर लो। आई नीड टू स्विच ऑफ द TV बिकॉज ये कभी बढ़ाएंगे और कभी कम करेंगे। सो दिस इज अवर बच्चों वाला रूम। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस रूम की बेड से। ये बेड जो है मेरा पुराना बेड है, यानी कि इसका बॉक्स, ये वाला जो है ये इसका फुट वाला एरिया और इसका सिराने वाला एरिया जो है मैंने अलग से परचेज किया है, और कम कॉस्ट में था, बट जब घर आए तो पता चला कि ये लकड़ी पे नहीं है, ये बोर्ड पे बना हुआ है। थोड़ा सा मैं कहीं ना कहीं अपसेट हुई यार, क्या गत्ता पकड़ा दिया, बट इट इज़ ओके। सो यहाँ पर पीछे के साइड गैलरी है एंड एक वॉशरूम है जो कि अटैच नहीं है, वो मैं बाद में दिखाऊंगी। देन कम टू दिस अलमारी। अगर इस अलमारी के पैटर्न की बात करें तो वो कम्प्लीटली गोदरेज वाली अलमारी थी, जिसपे जिसका बेस जो है ब्राउन कलर का था और ऐसे करके डार्क ब्राउन लाइंस थी। सारा घर रेनोवेशन कराने के बाद मुझे सबसे गंदी ये अलमारी लग रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था इस पर क्या करना चाहिए। देन आई डिसाइडेड कि एक काम करते हैं, इस पर हम पेपर लगवा लेते हैं। फिर मुझे लगा 4-5 हज़ार रुपये का पेपर लगवाने के बाद यार वो फट जाएगा, और बच्चों का रूम है, थोड़े टाइम बाद वो ख़राब हो जाएगा, वो एक साल भी नहीं चल पाएगा। पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, लाइक आई वॉज इन जेल रोड वाली मार्केट में, तो वहाँ पे एक भैया जो है सेल कर रहे थे पेंटेड बेड। तो मैंने उनको पूछा, मुझे उनका नंबर दे दीजिए, जो ये पेंटिंग करता है मुझे अपनी अलमारी पे करानी है। तो उन्होंने बोला मैं नहीं दे सकता। देन आई अगेन स्टार्ट सर्चिंग, और फिर मुझे एक भैया का नंबर मिला, उन्होंने आके इसे डिज़ाइन किया। मोर देन 12 आवर्स लगे हैं सिंगल पर्सन को ये 5 स्पाइडरमैन डिज़ाइन करने में। इस अलमारी की वजह से इस कमरे को और अच्छी ग्रेस मिली है, लुक एट दिस। और वॉशेबल है, आप इसको कैसे भी टच कर सकते हैं। एंड दैट पर्सन सेड कि 3-4 साल आप यूज़ करें, और अगर आपको लगता है कि आपके कलर लाइट हो रहे हैं तो आप इसकी फिलिंग करा सकते हैं विद अ वेरी लेस अमाउंट। सो सीलिंग पे हमने कुछ इस तरह का डिज़ाइन दिया है। साइड में 2 प्रोफाइल है, एक बीच में लाइट है और एल शेप में कुछ इस तरह की लाइट्स हैं। कम्प्लीटली 10 के करीब इस कमरे में लाइट है। यहाँ पर एक बच्चों वाला हैवल्स का फ़ैन लगा दिया, हालांकि पुराने फ़ैन पड़े थे बट लगा कि एक बार काम करा रहे हैं तो बार बार चेंज
नहीं हो सकता वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और हालांकि थोड़ा कॉस्टली होता है नॉर्मल फैन से, बट ये एक हैवी फैन में आता है। साइड टेबल जिसको हम बोलते हैं वो है जो कि मेरी पुरानी थी, तो हमने क्या किया कि हमारे घर पे पॉलिश का काम चल रहा था, इस पर पॉलिश करा ली एंड देन इस बेड की साइड्स पे भी पॉलिश करा दी, तो कम्प्लीटली इस बेड को ना एक नया लुक मिल गया। एलजी का है, और उसके बाद पुराने बोर्ड्स थे, हैवल्स के थे, अच्छे थे, बट वही रेनोवेशन में बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा टूट फूट गए थे। देन हमने एंकर के ये वाले ब्लैक वाले बोर्ड लगवाए, एग्जैक्ट ब्लैक बोर्ड नहीं है, शायद पता नहीं कौन सा ग्रेश में है, डार्क ग्रेश में, सो थोड़ा अच्छा लगता है वाइट वाइट वॉल के ऊपर। अभी आते हैं इस वाले पार्ट पे, अब आते हैं इस मंकी के ऊपर। यू नो वैसे तो दिख रहा है ना ये लाइक लटका हुआ है, बट इसके अंदर से एक वायर ऊपर गई है। इस मंकी के पीछे ना मैंने शिवा मार्केट में इतने चक्कर मारे बता नहीं सकते। मतलब शॉप पे जाती थी, यार इसकी वर्थ है, इतना महंगा है, नहीं लेना चाहिए, भैया इतने का लगा लो, लाइक दिस। तो फिर मुझे लगा नहीं यार, अगर मन है मन को नहीं मारना, लगवा लो, देखी जाएगी। सो बहुत सुंदर लगता है एक्चुअली। दिस द स्टडी टेबल ऑफ बोथ रिद्धु एंड पिद्धू की। तो यहाँ पर अभी चेयर मिसिंग है, मतलब समझ नहीं आ रहा, ऑर्डर नहीं कर पाए हैं। सो यहाँ पर भी स्टोरेज है, यहाँ पर भी स्टोरेज है, अंदर नहीं दिखा रही हूँ। और ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन है, लाइक बीच में, देन यहाँ पर और यहाँ से स्टार्ट होता है। ये डिज़ाइन भी मैंने ही भैया को बताया था, और ये भी कम्प्लीटली एक्रेलिक शीट से बनी है। और यहाँ पर मेरा एक मैक का सिस्टम रखा है, बिकॉज मेरे पास कोई मेरा पर्सनल स्पेस नहीं है, तो मैंने अभी सिस्टम फिलहाल यहाँ रख दिया है। यहाँ पर एक बच्चा अपना सामान रखता है और दूसरा अपना सामान रखता है। और यहाँ पे रखा हुआ है यूट्यूब का बॉक्स, जो कि रिध्यांश को मिला था, आई गेस 1 मिलियन पूरे होने पे मिला था। अभी आते हैं इस मंदिर वाले एरिया पे। सो जल्दी से सारे बोलो जय श्री कृष्णा। यहाँ पर मंदिर है, मंदिर के ऊपर 2 लाइट है, और एक यहाँ पे रेड लाइट आपको दिखाई दे रही होगी, लाल वाली फोकस लाइट जो कि मंदिर पे आती है डायरेक्टली, लाइक अगर हम बंद करेंगे तो इस तरह से आती है वो। अभी बहुत ज़्यादा लाइट्स हैं, हो सकता है दिखाई ना दे रही हो। सो अभी लाइक थोड़े दिन पहले मैंने घर में हवन कराया था गट्टू के बर्थडे पे, तो मुझे पंडित जी ने बोला कि आपके मंदिर की डायरेक्शन गलत डायरेक्शन है, तो आई एम प्लानिंग टू शिफ्ट, कहाँ करूँगी वो भी आपको बता दूंगी। यहाँ पर हम, अगर मंदिर नहीं होगा तो यहाँ पर हम एक कबर्ड बनवा लेंगे। एंड दिस झोपड़ी, दिस हट, मैंने भैया को टॉर्चर कर करके बनवाया कि मुझे एक हट ऐसे डिज़ाइन करके दो। ये भी मैंने नेट से डिज़ाइन देखा था, उसमें एग्जैक्टली कम्प्लीट ये डिज़ाइन ही था, उसमें थोड़े चेंजेस थे। तो यहाँ पर हमने एक पट्टी लगाई है, इस तरह की फ्रंट पट्टी है, और यहाँ पर 2 शेड में हमने इस झोपड़ी को डिज़ाइन दिया है, जो कि बच्चों के रूम के इंटीरियर से मैच करती है। जब भी घर में कुछ रेनोवेशन का काम होता है ना, तो वो हम काफ़ी तरीके से करा सकते हैं, तो हम खुद कराएं या किसी को दे दें, या किसी थर्ड बंदे को दे दें, या किसी फोर्थ बंदे को दे दें, लाइक दिस, या डिफरेंट बंदों को अपॉइंट करके कराएं। बट जब आप खुद से कराते हो तो ये है कि आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ें ला सकते हो, लगवा सकते हो, और लाइक समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट एंड में हमें ऐसा लगता है कि भाई अभी भी मिसिंग है। कहावत है ना कि घर और शादी में आप जितना मर्जी लगा लो, हमेशा कम ही लगता है। तो एट लास्ट वो सिचुएशन आ गई थी कि भाई अब मुझे रिलीफ चाहिए, अभी मुझे कुछ नहीं कराना है फिलहाल। लकड़ी वाले भैया को देख के गुस्सा आने लगा था, लास्ट में पेंटर को देख के गुस्सा आने लगा था, और उसके बाद बार बार वो चीज़ों को समेटना, लाइक लग रहा था मेंटली मैं पागल हो जाऊंगी। सो एनीवे अभी फाइनली जितना है, अभी इसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस होने हैं, कि जो वीडियो बिल्कुल रैंडम वीडियो है, मतलब मैंने कुछ अलग से घर को सजाया नहीं है, या फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ चेंजेस कर देने चाहिए वीडियो बनाने से पहले, ऐसा कुछ नहीं किया। सो काफ़ी रिक्वेस्टिंग वीडियो थी, और बहुत लोग काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए आज मैंने फाइनली टूर वाली वीडियो दे दी। अगर आपको लगता है कि भाई आपको कोई चीज़ पूछनी है, बिकॉज सारा काम मैंने पर्सनली खुद से कराया है, तो मुझे एक एक चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दीप्ति व्लॉग। आई होप कि आपको ये टूर पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो, और गट्टू आ चुका है, कमेंट करके बताना कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। एंड बाय।